वही एक्सप्रेस में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात एक शख्स की देर रात हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के अस्पताल में भेज दिया है। मौके पर मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है। मृतक की पहचान परिवार वालों के अनुसार गोपाल गुप्ता के रूप में हुई है, जो मूलतः बिहार का रहने वाला था और साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर इलाके में हरिनगर कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। उनकी ड्यूटी नाही के द्वारा बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस वे मीठापुर के पास गार्ड के रूप में हुई थी। मृतक की बेटी काजोल ने मीडिया को बताया कि उन्हें सुबह 6 बजे सूचना मिली कि जब पता चला कि उनके पिता की हत्या हो गई है। उनके आंखों से खून निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आंख भी निकल गया है, लेकिन पुलिस ने डेड बॉडी को देखने नहीं दिया, इसलिए पता नहीं चल पाया। जानकारी फैलते ही मौके पर सुबह काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक के रिश्तेदार, दोस्त, जानकारी सब पहुंच गए। यह भी पता चला कि कल रात में गोपाल गुप्ता का बेटा खाना देने गया था, लेकिन वह उस जगह पर मिले नहीं, जो खाना वहीं पर रखकर बेटा घर वापस आ गया। डीपीपी साउथ ईस्ट राजेश देव ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के हत्या की वजह का पता लगाया जा रहा है। हत्या कैसे हुई है, इन सब चीजों की छानबीन की जा रही है।